सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे और हमारा आज का वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे टुनाइट अपडेट के बारे में। आज रात हमारे फ्री फायर में कौन सा न्यू इवेंट आपको देखने को मिल सकता है, ये आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। एंड साथ में हम बात करेंगे हमारे न्यू M8087 की स्किन के बारे में, वो स्किन कब एंड कैसे देखने को मिलेगी ये भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलेगा इस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले गाइस, हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि गाइस हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहते हैं एंड आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनीवेज गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कुछ न्यू इवेंट्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले अभी यहां पे बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर के अंदर आने वाले एक और न्यू इवेंट के बारे में। यहां पे गाइस आपको ये वाला इवेंट जो देखने को मिल सकता है, इसका नाम गाइस कंफर्म नहीं बोलेंगे क्या होगा, लेकिन गाइस ये जो ब्लू वाला बंडल है इसकी जगह आपको दूसरा बंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गाइस 9 डायमंड्स जो है स्पिन का स्टार्टिंग कर दिया जाएगा एंड इसका स्पिन जो है गाइस बढ़ता जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि हर इवेंट के अंदर होता है। तो ये वाला इवेंट भी अपन को देखने को मिल सकता है आने वाले 3-4 वेब इवेंट के अंदर। आपको क्या लगता है, ये वाला वेब इवेंट अच्छा है या फिर नहीं है, कमेंट करके जरूर से बताएगा। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे काफी अच्छा इवेंट ये हो सकता है, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे जो पुराने बंडल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि पहले अभी तक हमारे फ्री फायर में आ चुके थे लेकिन गाइस वो अभी रेयर हो चुके हैं, अभी तक आए भी नहीं है, वो अपन को इस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग चाहते हो ये वाला इवेंट या फिर नहीं चाहते हो गाइस, कमेंट करके जरूर से बता देना यार, क्योंकि पैसा नहीं लगता भाई कमेंट करने में, तो ये छोटा सा काम आप लोग जरूर से कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, मेरी आवाज़ में भाई थोड़ी सी आपको झरझराहट महसूस होगी, क्योंकि गाइस मुझे भाई बहुत तेज यहाँ पे सर्दी हो गया यार, तो इसलिए आवाज़ बोलने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं एंड बात करेंगे हमारे फ्री फायर के अंदर वाले न्यू फेड व्हील इवेंट के बारे में। उसमें आपको कौन सा बंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो गाइस आप सभी यहाँ पे ब्लैक वाला बंडल देख पा रहे होंगे, ये वाला ब्लैक वाला बंडल जो गाइस अपन को देखने को मिल सकता है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर, वो भी फेडेड व्हील इवेंट में। आपको क्या लगता है किस इवेंट के अंदर डाला जाना चाहिए ये वाला बंडल, आप लोग अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर जरूर से करिएगा। एंड इसके साथ गाइस एक और बंडल है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका यहाँ पे भाई वाइट वाला वर्जन है, वो अपन को देखने को मिल सकता है गाइस वेब इवेंट के अंदर। वेब इवेंट में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उस वाले बंडल के। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ब्लैक वाला बंडल अच्छा लगा है या फिर नहीं लगा है। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हमारा वाइट वाला बंडल। वाइट वाला बंडल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला बंडल गाइस अपन को देखने को मिलने वाला है किसी वेब इवेंट के अंदर हमारे इंडियन सर्वर में। एंड हो सकता है गाइस कि ये वाला बंडल जो है अपन को भाई एक ही स्पेशल रॉयल में देखने को मिल सकता है, यानी कि गाइस फेडेड व्हील के अंदर देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा बंडल है यार, काफी रेयर बंडल यहाँ पे होने वाला है। ये वाला बंडल गाइस हमारे RT12 इवेंट का बंडल है। RT12 के यहाँ पे 4 बंडल निकल कर आए थे, लेकिन गाइस यहाँ पे 2 बंडल ही पहले आए थे एंड 2 बंडल रह गए थे। तो ये वाले बंडल गाइस 3-4 वेब इवेंट के अंदर अपन को जरूर से देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे बंडल्स हैं, आप लोग निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे कमेंट करके बताना। एंड व्हाइट एंड ब्लैक में से आपको कौन सा वाला बंडल अच्छा लगा है ये भी कमेंट करके जरूर से बता देना यार, छोटा सा काम है गाइस जरूर से बता देना। इसके बाद गाइस यहाँ पे फेडेड व्हील के लिए एक और हमारा भालू वाला बंडल निकल कर आता है। यहाँ पे गाइस ये जो भालू वाला बंडल है ये भी अपन को देखने को मिल सकता है हमारे फेडेड व्हील के अंदर। ये भी काफी सारे सर्वर के ऊपर जो है 9 डायमंड के स्पिन के अंदर अवेलेबल करवाया गया था, तो हमारे इंडियन सर्वर में गाइस फेडेड व्हील के अंदर भी आ सकता है। एंड कल के दिन गाइस ये वाला बंडल जो है काफी ज्यादा चांसेस रखता है कि कल के दिन अपन को हमारे फ्री फायर के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड इसके साथ टुनाइट अपडेट की अगर बात करें गाइस, तो अपन को ये गाइस ये बियर वाला बंडल जो है कल अपन को 8:30 बजे किसी वेब इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा एक और बंडल है, वो भी आपको बताएंगे कौन सा है। तो गाइस अभी आपको बता देते हैं हमारे M8087 की न्यू स्किन के बारे में। ये वाला स्किन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला स्किन आपको देखने को मिल सकता है हमारे अगले वेपन रॉयल के अंदर। एंड अभी इसका कंफर्मेशन यहाँ पे निकल कर नहीं आया है, लेकिन लीक्स निकल कर आ रही है कि ये वाला जो गन है गाइस अपन को देखने को मिल सकता है वेपन रॉयल के अंदर। लेजेंडरी स्किन है गाइस, इसका एनिमेशन आप लोग देख पा रहे होंगे काफी अच्छा स्किन है। एंड इसकी जो एबिलिटी है गाइस वो यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको मैं जरूर से बता दूंगा हमारी M8087 की न्यू स्किन के बारे में। एंड ये भी लीक निकल कर आ रही है कि भाई इसका अपन को जो है इनक्यूबेटर भी देखने को मिल सकता है। तो आगे अगर कोई और अपडेट निकल कर आएगा तो मैं आपको जरूर से अपडेट दे दूंगा। तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा एंड आगे कोई अपडेट आएगा तो जरूर से आपको मिलता रहेगा। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे हमारे फ्री फायर के न्यू कैरेक्टर के बारे में, जो कि गाइस आने वाले थे OB24 अपडेट के बाद, लेकिन अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आए हैं। कब तक आएंगे एंड आएंगे भी
या फिर इस सीजन के अंदर नहीं आएंगे, ये भी आपको हमें बता देते हैं। तो गाइस इस वाले कैरेक्टर का नाम है सबर कैरेक्टर है, एंड अभी भाई अपन को देखने को मिलने वाला था OB24 अपडेट के बाद एडवांस सर्वर में तो डाला गया था, लेकिन गाइस अभी तक ये कैरेक्टर हमारे फ्री फायर के इंडियन सर्वर में या फिर किसी और सर्वर के अंदर अवेलेबल नहीं हुआ है। तो हो सकता है गाइस कि अगले किसी और छोटे अपडेट में अपन को देखने को मिल सकता है, एंड अगर नहीं आता है तो गाइस अपन को देखने को मिलने वाला है ये वाला कैरेक्टर OB25 अपडेट के बाद। तो गाइस इस वाले वीडियो को जो है आखिरी तक जरूर से देखना, क्योंकि आखिरी में आपको मैं कुछ ऐसी अपडेट दूंगा जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होगी। तो गाइस अभी आपको दिखा देते हैं हमारे फ्री फायर की एक और न्यू कैप, जो कि गाइस आप लोग फीमेल एंड मेल में भी यूज कर सकते हो, यानी कि दोनों में आप लोग पहन सकते हो। ये वाला कैप आप लोग देख पा रहे हो गाइस, ये काफी अच्छा कैप है, एंड फीमेल एंड मेल में भी ये काम आने वाला है। काफी अच्छा कैप है गाइस, काफी रेयर ये वाला कैप होने वाला है। यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है किसी वेब इवेंट के अंदर या फिर गाइस इसको सीधा स्टोर के अंदर अपडेट किया जा सकता है। तो आप लोग को क्या लगता है, स्टोर के अंदर आएगा सीधा या फिर वेब इवेंट के अंदर आएगा, कमेंट करके जरूर से बता देना। तो काफी अच्छा कैप है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो कर ही दोगे, मुझे पता है जिसने यहाँ तक देखा है वो जरूर से यहाँ पे लाइक करके ही जाएगा। तो ये वाली कैप आपको कैसी लगी है गाइस कमेंट करके जरूर से बता देना, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है एंड मैं इसको जरूर से यहाँ पे निकालने वाला हूँ। कौन कौन निकालेगा कमेंट करके फटाफट बताओ यार, कमेंट सेक्शन नीचे खाली पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। तो चले गाइस आगे बढ़ते हैं एंड बात करेंगे हमारे फ्री फायर के अंदर आने वाले और भी काफ़ी सारे इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं टुनाइट अपडेट के बारे में। टुनाइट अपडेट के लिए गाइस हमारा जो टाइगर वाला बंडल है वो भी यहाँ पे निकल कर आता है। तो गाइस टाइगर वाला बंडल जो है ये भी अपन को देखने को मिल सकता है कल के दिन हमारे चेंज योर फेट या फिर किसी और इवेंट के अंदर। लेकिन गाइस 2-3 वेब इवेंट के अंदर जो है आपको ये टाइगर वाला बंडल एंड हमारा बियर या भालू वाला बंडल जो अपन को देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन निकल कर आ रही है, लेकिन इसका डेट यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया गया है कि कब अपन को देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये जो टाइगर वाला बंडल भाई बाहर के सर्वर में बहुत दिन पहले आकर के जा भी चुका है, लेकिन अभी तक हमारे इंडियन सर्वर के अंदर नहीं आया है। तो भाई अपन को जरूर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमारा टाइगर बंडल। एंड उसके बाद गाइस अपन को डिनो का एक स्पेशल इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर गाइस अपन के जो डिनो वाले बंडल होंगे सारे के सारे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उनमें से गाइस आप लोग निकाल सकते हो, कोई सा भी निकालना चाहते हो। तो काफ़ी अच्छे अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स एंड इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे भाई आने वाले टाइम पे, उनका अपडेट आपको हम लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में यही टुनाइट अपडेट है, एंड इसके अलावा और भी कोई टुनाइट अपडेट एंड इवेंट निकल कर आता है तो 9:30 बजे आपको मैं कमेटी पोस्ट में जरूर से अपडेट दे दूंगा। तो कमेटी पोस्ट को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हाँ गाइस आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हो मैं OB25 अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ तो आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कि हमें OB25 अपडेट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, आप एक स्पेशल वीडियो बना करके बता दो। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं OB25 अपडेट की फुल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता देना यार, कौन सा न्यू मैप होगा, कौन सी न्यू लॉबी होगी, कौन से न्यू करेक्टर एंड कौन सा न्यू पैट आएगा, सब कुछ आपको मैं हमारे OB25 अपडेट के वीडियो में बता दूंगा। तो कमेंट करके बताना किस किस को OB25 अपडेट का यहाँ पे वीडियो चाहिए है, किसको नहीं चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएगा। आई होप कि गाइस आपको हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए थे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि गाइस हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे लेकर के आते रहते हैं। एंड और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा तो मैं आपको जरूर से अपडेट देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।